बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, नवरात्रि में हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं और वो नव दुर्गा अलग अलग नौ स्वरूपों में अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसी क्रम में नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवे दिन नव दुर्गा के अंतिम स्वरूप की पूजा होती है, जिन्हें हम कहते हैं माता सिद्धिदात्री। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सिद्धिदात्री का मतलब होता है सिद्धि देने वाली। अरिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्रकाम्य, इषित्व, वशित्व, ये जो आठ सिद्धियां हैं या जो आठ तरह की शक्तियां हैं, ये माता सिद्धिदात्री की कृपा से उनके भक्तों को मिल जाती हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर अगर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों का फल मिल सकता है। उसका कारण यह है कि माता सिद्धिदात्री के स्वरूप में सारी देवियों का स्वरूप समाहित होता है। इसलिए जब आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो समस्त देवी की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। नवमी तिथि के दिन कमल के फूल पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंगों के सुगंधित फूल आप देवी को अर्पित करें और नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को, माता सिद्धिदात्री को शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। और इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, कीलक का पाठ करें और अर्गला का अगर पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। कवच, कीलक, अर्गला का पाठ करना अच्छा होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अच्छा होगा। कुछ नहीं जानते तो नवार्ण मंत्र ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी अगर आप अधिक से अधिक जप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जो नव दुर्गा हैं वो अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे माता शैलपुत्री की पूजा से आपको साधना की शक्ति मिलती है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से अनुशासन की शक्ति मिलती है, माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह का वरदान मिलता है। इसी तरह से जो माता सिद्धिदात्री हैं उनके अंदर चूंकि सारी देवियां समाहित हैं तो आप जिस भी तरह की मनोकामना चाहते हैं, चाहे धन चाहते हों, चाहे स्वास्थ्य चाहते हों, चाहे नाम और यश चाहते हों, चाहे ऐश्वर्य चाहते हों, वो आपको प्राप्त अवश्य ही होगा। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि माता सिद्धिदात्री को कहते ही हैं सिद्धियां देने वाली, और सिद्धि देने की जो क्षमता है दुनिया में, आठ सिद्धियां देने की जो क्षमता है वो देवी के पास है। माता सीता ने यही आठ सिद्धियां हनुमान जी को प्रदान की थी। तो मुख्यतः माता सिद्धिदात्री की पूजा से आप किसी भी तरह की चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं और किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। माता सिद्ध